आतिम भाई चुप कर रहे हैं। आतिम भाई क्या हो गया? आतिम क्या कर रहे हैं? इसे कैसे बदतमीजी कह रहे हैं? पिता के फोन से जिशान को मैसेज किया है इन्होंने। आतिम ये झूठे। एक सेकंड देखने दो। आतिम आप क्या आप मेरे बात एक सेकंड पे यकीन करें? ऐसा कुछ नहीं है। बस करें भाभी, खुदा का खौफ करें यार, अब तो सच बोल रहे हैं यार। ये तौकीर का स्क्रीनशॉट ये देखें यार, रिता को फंसा रही थी पहले दिन से। सब कुछ नहीं। आप मैसेज किया कि मैं खुला लेना चाहती हूँ और तौकीर से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या है? ये सब क्या ये सच है? हाथ नहीं, ये सब सच नहीं, ये सब इसकी साजिश है मुझे फंसाने की। अभी ये दो मिनट यार, रिता को भी मेडिकल स्टोर इन्होंने भेजा और आपको भी भेज दिया कि उसको लेके आए। सब कुछ नहीं आप, हाथ ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। तुमने ही मुझे भेजा था ना रिता को पिक करने के, और कहा था शौकत शौकत घर जा चुका है। तो ये सारी है। प्लानिंग तुम्हारी थी, मुझे मेरी बहन से तू बता दिया था। अरे तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी शकीला, तुमने अच्छा नहीं किया। निकलो इस घर से, निकलो इस घर। नहीं निकलूंगी मैं, नहीं निकलूंगी मैं इस घर से। तुम शायद भूल रहे हो कि ये घर मेरे नाम तो करवा चुके हो मेरे हाथ पैर ने। हाँ ये घर तुम्हारे नाम पे, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे नाम पर नहीं है। तुम निकलोगी इस घर से? नहीं निकलोगी हातिम, साथ तुम सब निकलोगे इस घर में से। तुम निकलोगे, तुम निकलोगे, तुम सबको कौन से घर से ढूंगी मैं? शर्मिला बस, तुमने मुझे मेरी बहन से दूर किया, मेरे घर वालों से दूर किया। तुमने इस घर में कुछ और तुम्हारी बहन ने मेरी खुशियां छीनी है, क्योंकि वो एक बक्करदार औरत है। वो नहीं है, वो बक्करदार वो है, वो बकचलन है। बक्करदार है हातिम, वो बक्करदार है। तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब निकलोगी तुम इस घर से। जिंदगी मक्कारियां करते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह अपनी एक ही चाल से उसकी सारी मक्कारियों का पर्दाचाक कर